साथियों, जब आज सुबह सड़क पर टहल रहा था तो एक दृश्य मुझे दिखा, तो कमोबेश मैंने पूछ लिया ये कौन है। तो जब बुजुर्ग से मैंने पूछा तो पता चला कि वो हैं, उनके साथ पोता है। ये बहुत अच्छा लगा इस रूप में देखते हुए। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कहाँ क्या कहते हैं, साथ में बच्चों को प्यार मिल पाता है। लेकिन इस तरीके से देखा तो बड़ा अच्छा लगा। तो आज सोचा कि उनसे बात की जाए, भारतीय संस्कृति के ऊपर इनसे बात की जाए। तो मैं इनके पास हूँ, उनसे बात करता हूँ कि कितनी अच्छी भारतीय संस्कृति है कि पोता और बाबा एक साथ इस तरीके से सड़क पर टहल रहे हैं। देख के बड़ा सुकून का एहसास हुआ। मैं उनके पास चलता हूँ, बात करता हूँ। देखिए, धन्यवाद। आपका नाम बताइए। बताओ नाम बताइए आप। महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप जी, आप कहाँ रहते हैं? ठाकुर में रहते हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 78 साल। 78 साल की। और ये जो आपके साथ ये टहल रहे हैं, ये कौन है? ये पोता है। साथियों समझ रहे हैं, एक बाबा और पोता है। कितने घर ऐसे होंगे, किसे होंगे जहाँ बाबा और पोता? 11 साल का है। कितने घर ऐसे होंगे जहाँ एक बाबा एक पोता इस तरीके से टहल रहा होगा? भाई का उपनिषद है। उपनिषद, उपनिषद नाम है। ओह हो, साथियों देखिए, नाम किसने रखा है नाम आपका? मेरी मम्मी ने। देखिए, धन्यवाद दे दूंगा इस समय उस कल्चर को जिसने बच्चे का नाम उपनिषद रखा है। एक महान सोच है कि उपनिषद नाम है और बाबा और पोते साथ में टहल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये जो है समाज के लिए प्रेरक है। इस तरीके की बातें समाज को संदेश देने वाली चीज़ें हैं। बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं भैया? फोर्थ में पढ़ते हो। अच्छा, ये बताइए कि ये बाबा के साथ साथ क्या सीखने को मिलता है आपको? बाबा के साथ मजा आता है आपको? अच्छा, बाबा के साथ क्या क्या सीखने को मिलता है आपको? बहुत चीज़ें। जैसे प्यार। बाबा प्यार करते हैं। क्या क्या बाबा प्यार करते हैं? कहाँ कहाँ ले जाते हैं घुमाने? जहाँ मैं बोलता हूँ। देखिए, ये बाबा जो है पोते को जो है साइकिल में साथ में ले जा रहे हैं। कितनी अच्छी कल्चर है, बाबा पोते को साथ में साइकिल। तो ये साइकिल चलाना के बाबा ने सिखाया आपको? अच्छा। साथियों, संतोष यथार्थ, बस बाबा और पोते की कल्चर को लेकर आज इतना। नमस्ते, मिलता हूँ फिर।